नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के फैसले पर केरल की वायनाड की जनता की प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल की दो सीटों पर चुनाव लड़ने पर लोगों ने मिला जुला रिएक्शन दिया। बता दें कि वायनाड लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को चुनाव हुआ था और वहां के लोगों ने कहा कि राहुल की रायबरेली से चुनाव लड़ना गलत नहीं है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि उनका ये कदम गलत है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार वायनाड में एक सड़क किनारे की दुकान पर एक व्यक्ति ने कहा कि राहुल गांधी की दो सीटों से चुनाव लड़ने के फैसले में कुछ भी गलत नहीं है। वो इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और इसीलिए इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। जबकि दूसरे ने कहा कि अगर वो दोनों सीटों से जीतते हैं तो सबसे ज्यादा संभावना है कि वो वायनाड सीट खाली कर देंगे, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो हम इसे अच्छा नहीं मानेंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि अनुभवी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML नेता PK कुनहाली कट्टी ने कहा कि रायबरेली से चुनाव लड़ने के उनके फैसले में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने भी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से अनुरोध किया था कि राहुल को वायनाड के अलावा एक और सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने भी पहले दो सीटों से चुनाव लड़ा था। बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 का चुनाव वायनाड से जीता था, लेकिन उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट हार गए थे। इस बार वायनाड में उनका मुकाबला CPI नेता एनी राजा और BJP के राज्य अध्यक्ष के सुरेंद्रन से है। बताते चलें कि जिस तरह से राहुल गांधी के नाम का ऐलान कांग्रेस ने रायबरेली से किया है, उसके बाद से ही BJP कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर है। साथ ही बताते चले कि 2019 में जिस तरीके से राहुल गांधी को अमेठी से हार का सामना करना पड़ा था, जहां उन्हें BJP उम्मीदवार स्मृति ईरानी से हार मिली थी, जिसके बाद से इन चुनावों को लेकर लगातार ही ये बात कही जा रही थी कि राहुल गांधी इन लोकसभा चुनावों में अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज़।